हेलो एंड वेलकम टू माय किचन माय डिश। दोस्तों, काफ़ी दिनों से बहुत से लोगों की फरमाइश आ रही थी कि मैं KFC स्टाइल चिकन बनाकर बताऊं। मुझे KFC स्टाइल चिकन पसंद नहीं है, पर मैं कुछ ऐसा बनाती ज़रूर हूं घर में जो मेरे घर के लोग एंजॉय करते हैं। तो मैंने इसके लिए ये लेग पीसेस लिए हैं, इन्हें ड्रम स्टिक्स कह सकते हैं, कहते भी हैं, KFC स्टाइल भी कह सकते हैं। KFC भी बाहर से क्रंची और अंदर से जूसी होता है, और ये भी बाहर से क्रंची और अंदर से जूसी होता है। तो मैंने ये 12 छोटे छोटे लेग पीसेस लिए हैं, 1.25 किलो के चिकन के ये लेग पीसेस इतने छोटे होते हैं। हम इसे दही, जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक और नींबू के रस से मैरिनेट करके ओवरनाइट रख देने वाले हैं। देखिए, ऐसे 1/2 कप हमने इसके अंदर दही ऐड किया। एक टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक स्वादानुसार 1/2 चाय का चम्मच डाला है मैंने, क्योंकि इसमें नमक हल्का ही रखते हैं, और 1/2 नींबू का रस हमने इसके अंदर निचोड़ दिया। अब इस मैरिनेशन को बहुत अच्छी तरीके से इन सारे पीसेस के ऊपर रब कर देंगे अच्छी तरीके से। इनके ऊपर ऐसे एक लॉन्ग कट लगाया जा सकता है, मेरे ये बहुत छोटे हैं इसलिए मैंने कट नहीं लगाया है। कट लगा देने से वो बहुत आसानी से पकते हैं। ये मसाला पूरा अच्छी तरीके से इसके ऊपर लगाना है, और इसे ओवरनाइट फ्रिज में रख देंगे और कल सुबह इसे बनाएंगे। ये ओवरनाइट हमारा मैरिनेट हो गया चिकन के लेग पीसेस। अब हम इसे फ्राई करने की तैयारी करेंगे। इसे फ्राई करने के लिए एक पाउडर कोटिंग हमें बनानी है। इसके लिए हम ये मिक्सिंग बोल के अंदर 4 टेबल स्पून मैदा डालेंगे, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, और उसे बहुत अच्छा क्रिस्पी बनाने के लिए ओट्स, रेडी ओट्स हैं ये मिलाएंगे, और 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर ब्रेड क्रम्स मिलाएंगे। ये ड्राई है, ये ब्रेड क्रम्स ड्राई हैं। 1/2 चाय का चम्मच इसमें हमने रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च, 1/4 टीस्पून जीरा, और नमक स्वादानुसार। नमक भी हल्का ही डालेंगे, ज़्यादा नमक नहीं होना चाहिए। चिकन ड्रम स्टिक्स में नमक हल्का अच्छा लगता है, और उसे डिप्स के साथ खाने में मज़ा आता है। इस पूरे पाउडर्स को अच्छी तरीके से पूरा मिक्स कर देंगे। ऑयल हमने गैस पे गरम होने रख दिया है पैन में। ये पाउडर कोटिंग हमारी अच्छे से मिक्स होकर रेडी हो गई है। अब इसके अंदर हम ये जो चिकन के लेग पीसेस हैं इन्हें हम इसके अंदर कोट करेंगे। चाहें तो इसे एक पैकेट के अंदर भर के उस पैकेट के अंदर सारे ड्रम स्टिक्स को डालकर चारों तरफ से बंद करके उसका मुंह उसे हिलाकर इस तरीके से कोटिंग की जा सकती है। हम तो इसे प्याले में ही मिक्स करते हैं और इसी में इसकी कोटिंग कर लेते हैं। अभी एक हाथ हमारा मसालों से गीला है, तो हमने दूसरा हाथ हमारा सूखा है उससे हमने इन्हें निकाल लिया। आप भी ऐसा ही करें, इससे मैस नहीं होता है किचन में, गंदगी नहीं होती है, हाथ खराब नहीं होते हैं। एक हाथ में गीला और एक हाथ में सूखा, ये हमने सभी ड्रम स्टिक्स को उस पाउडर कोटिंग के अंदर कोट कर लिया। ऑयल गर्म हो चुका है, अब इन्हें फ्राई होने डालेंगे। ऑयल को गर्म होने तक आंच को तेज़ रखना है, और उसके बाद आंच को स्लो या मीडियम रखना है। इसे स्लो और मीडियम आंच पर ही फ्राई करना है, नहीं तो ये बाहर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसलिए आंच को एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी है। इन्हें जलाना भी नहीं, इन्हें लाइट गोल्डन फ्राई करना है, तो इसलिए आंच को मीडियम या स्लो रखें।
तो ये बहुत अच्छे बनते हैं और इसका क्रिस्पी फ्लेवर तो बहुत शानदार होता है। घर में हम यही बनाते हैं। ये चारों तरफ से अच्छी तरीके से फ्राई हो रहे हैं। अभी हमने अंडे एक बोल के अंदर फेंट कर रखे हैं। इन्हें हम बाहर निकालेंगे, इन्हें थोड़ा ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इन्हें उस अंडे में डिप करके उसके बाद फिर से उस पाउडर में कोट करके दोबारा से फ्राई करेंगे। देखिए ऐसे। अभी ये अंदर से कच्चे हैं, पूरे पके नहीं हैं। इन्हें थोड़ा ठंडा होने देंगे। उतनी देर में हम बाकी के भी ड्रम स्टिक्स फ्राई करके निकाल लेंगे। ये ठंडे हो गए, अब हम इन्हें अंडे के अंदर डिप करके फिर इस पाउडर के अंदर डिप करेंगे। चारों तरफ से इस कोटिंग को अच्छी तरीके से इस पाउडर को कोट करेंगे। ये कोट हो गए अच्छी तरीके से और फिर से इन्हें गरम ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे दोबारा से। और इसी तरीके से हम सारे ड्रम स्टिक्स को फ्राई कर लेंगे। इससे ये जो कोटिंग है वो डबल कोटिंग आ गई और बहुत ही अच्छा क्रिस्पी ड्रम स्टिक तैयार होगा। और केएफसी से किसी सूरत में, किसी मायने में कम नहीं, उससे ज़्यादा अच्छा, उससे ज़्यादा अच्छा, उससे ज़्यादा टेस्टी अपने घर में हाइजीनिकली बनाया गया ड्रम स्टिक्स, ऐसे ड्रम स्टिक्स दुनिया में कहीं और नहीं मिल सकते हैं सिवाय अपने घर के। इन्हें ऐसे हिला हिला के कोट करते हैं तो वो कोटिंग बहुत अच्छी तरीके से लग जाती है और कोई परेशानी नहीं होती है इस पाउडर को कोट करने में। ये देखिए, ये सारे हमने कोट करके फ्राई होने डाल दिए। अब इन्हें लाइट गोल्डन फ्राई करके हम निकाल लेंगे और अब ये अंदर से पक जाएंगे। वैसे चाहें तो एक बार ज़रा सा उन्हें कट करके चेक कर सकते हैं कि अंदर से कच्चे तो नहीं हैं, और अगर ज़रूरत है तो थोड़ी देर और फ्राई करें उन्हें मीडियम आँच के ऊपर। जलना नहीं चाहिए उसे, डार्क ब्राउन नहीं होना चाहिए उसे। अब इन्हें पेपर टॉवल के ऊपर निकाल लेंगे। पेपर टॉवल पे निकाल सकते हैं, टिश्यू पेपर पे निकाल सकते हैं। और ये मेरे सारे लेग पीसेस केएफसी स्टाइल ड्रम स्टिक बन के तैयार हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हाइजीनिक और बिल्कुल ताज़े फ्रेश। ये देखिए, और ये इसके डिप के साथ एंजॉय कर सकते हैं। देखिए, हम इसे तोड़ कर दिखा रहे हैं। ये देखिए, अंदर तक बिल्कुल पक गए हैं, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी। तो आप भी अपने घर में बनाइए, अपने अपनों को खिलाइए और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। बाय बाय।